गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम ओवरहेड की ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स की ये प्रॉब्लम है। चलिए पढ़े। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड्स वाज रिकवर्ड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 25% पर मिनट डेज। द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द मैन डेज एक्चुअली वर्कड इज इतना एंड 1.5 लाख मैन डेज रिस्पेक्टिवली, आउट ऑफ विच 40,000 यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर एंड 30,000 सोर्स। ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट वर एट्रिब्यूटेबल टू द इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट। सो हाउ वुड यू अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड टू बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो भी डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से होता है उसे तो हम कॉस्टिंग पी एंड डेल में डाल देते हैं। चलिए, तो इसमें चार पार्ट हम लोग करते हैं। नंबर वन, एक होता है कंप्यूटेशन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है, इसकी कंप्यूटेशन। तो हम लिखेंगे मैन डेज जो वर्कड है वो है 1,50,000। अब आप लिखेंगे कि ओवरहेड जो आपके एक्चुअली इनकर्ड है वो है 41,50,000। इसमें जो ओवरहेड आपने एब्जॉर्ब कर दिए वो 1,50,000 मैन डेज पे 25 रुपए से 37,50,000 आपने एब्जॉर्ब कर दिए। तो ये बचे अब आपके 4,00,000 जो आपके अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ठीक है जी, ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। नंबर टू होता है, उसे हम कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब क्वेश्चन में लिखेंगे 60% वाज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग टू बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल। सो 4,00,000 का 60%, 2,40,000 तो आप कॉस्टिंग पी एंड एल में दे देंगे। बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्ड एंड फिनिश गुड्स यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट, वो हमारे 1,60,000 हो गए। अब ये 4,00,000 का हमारा पूरा हिसाब हो गया। अब तीसरा पार्ट आता है सप्लीमेंट्री रेट का। तो सप्लीमेंट्री रेट के लिए हम लिखेंगे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने हैं, 1,60,000, ठीक है जी, और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितनी है, 40,000। तो जो सप्लीमेंट्री रेट आएगा वो कितना आएगा, 1,60,000 ये हो गया 4 रुपये, सही है। नंबर फोर्थ, चौथा नंबर है वो है हमारा अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। इन्होंने कहा था कि 30,000 यूनिट में हमने बेच दिए हैं तो 4 रुपए से
1,20,000 तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देंगे, बाकी जो बची यूनिट वो कितनी है, 10,000 हैं, वो यूनिट अनसोल्ड हैं, तो 40,000 रुपये आप अपने फिनिश गुड्स में कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमने पूरा क्वेश्चन किया। सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, 4 से 6 नंबर में आ जाता है। चलिए, होप ये समझ आ रहा है आपको। थैंक यू।